हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ ये लेके आया हूँ शटरिंग को लेके। सिविल वर्क में कॉलम करने के बाद, कॉलम भरने के बाद, कॉलम खड़े होने के बाद साइड का ब्रिक वर्क होता है, फिर शटरिंग की जाती है, तो शटरिंग के बाद लेंटर डाला जाता है। तो शटरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को मजबूत रखने के लिए। तो शटरिंग कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टेक्निकल छोटी छोटी चीजें हैं, किस चीजों के बारे में हमें मेन ध्यान रखना चाहिए, तो आज सबसे पहले मैं आपको साइड विजिट कराता हूँ, साइड सुपरवाइजर कमरूल से मैं आपको मिलवाता हूँ और जानते हैं उनसे कुछ जरूरी जरूरी काम की बातें, और लास्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा शटरिंग के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। आपको दिखाता हूँ शटरिंग के बारे में कि शटरिंग किस तरह से कर दी गई है। आप देख सकते हैं इस समय शटरिंग का एरिया, ये सारी शटरिंग हो गई है। और कमरुल जी हैं साइट सुपरवाइजर, इनसे जानते हैं कि क्या क्या शटरिंग में इन्होंने ध्यान रखा है और क्या क्या चीज़ ध्यान रखने लायक है, और पूरी साइट पे घुमाते हैं, शटरिंग सारी चेक कराते हैं कमरुल जी से। तो कमरुल जी आप बताएंगे थोड़ा क्या क्या आपने ध्यान रखा है इस साइट को सुपरविजन में और किस तरह से। सर बिल्कुल, दोस्तों नमस्कार, सर के माध्यम से फिर मैं इस चैनल से जुड़ा हूँ और अपने साइट के बारे में, शटरिंग के बारे में, शटरिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीज़ें प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जो हमें काम करने के दौरान गलतियां ना हों। सबसे ज़रूरी बात है कि शटरिंग में लाइन और लेवल का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले शटरिंग मटेरियल हमारा बहुत अच्छा हो, मतलब सरफेस उसका अच्छा निकले, इसलिए शटरिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए। आइए बताते हैं हम आपको कि शटरिंग लगाया गया है। शटरिंग लगाने के बाद पहले तो इसके सारे बीम बॉटम लगाए गए, सारे बीम बॉटम तो आप बॉटम देख सकते हैं, ये बीम बॉटम पे, ये नीचे का बीम बॉटम है पूरा। देन उसके बाद इसकी साइड लगाई गई लाइन किला मेजरमेंट करने के बाद, लाइन किला वो शटरिंग का प्लाई माइनस करके लाइन किला का साइज निकलता है बीम के अकॉर्डिंग, और हमारा जो बीम का साइज है 230x450 का बीम है। और आप जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पे कि ये पूरे स्लैब में पूरा जो ये पैनल है, ये जो पूरा पैनल है आप देख पा रहे हैं, ये पैनल, इस पैनल में लेवल को ध्यान रखते हुए बनाया गया है या किया गया है कि इसमें कैम्बर दिया गया है स्लैब में। इस शटरिंग को 10 mm ऊंचा उठाया गया है कि कास्टिंग के दौरान ये एग्जैक्ट लेवल पे अपने हो जाए। तो इस कैम्बर का भी शटरिंग में ध्यान रखना चाहिए। अगर पैनल हमारे पास बड़ा है, बड़ा पैनल है किसी शटरिंग का, तो उसको 10 mm उठा के रखना चाहिए हमेशा। तो जैसा कि आप देख पाएंगे इस वीडियो में, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको शटरिंग में कैम्बर दिख रहा होगा, बीच में से शटरिंग थोड़ी सी 10 mm जो कि बहुत कम होती है, लेकिन दिखेगा आप यहाँ से देखेंगे तो दिखाई देगा कि हाँ थोड़ी शटरिंग उठी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद शटरिंग करने के बाद हमने इसका जॉइंट का ध्यान रखा है कि जॉइंट नीचे से खराब ना दिखे, उसके लिए हमने ये प्रॉपर टेपिंग की हुई है कि जॉइंट का सरफेस भी अच्छा निकले। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने शटरिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि ये शटरिंग हम जहाँ भी खड़े हों प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर जगह पे हो, इसको दबाने से भी ये दबे ना, अपने जगह पे रहे। और बाकी 10-5 mm का जो वेरिएशन रहता है उसके लिए हम 10 mm का कैम्बर देते ही देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपने बालकनी का साइज के अकॉर्डिंग इसकी शटरिंग लगाई गई है। ये हमारी जो बालकनी है, प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं, वो है हमारी 2100 यानी 7 फीट की बालकनी है हमारी, जिसके कारण से हमने इस स्लैब को टेपर में लगाया हुआ है। 75 mm का स्लोप है इसमें, 75 mm का स्लोप है आप देख पा रहे होंगे, और जो इसकी थिकनेस रखी गई है इधर स्टार्टिंग में, बीम के स्टार्टिंग में 225 mm और लास्ट में 165 mm अकॉर्डिंग टू लोड बेयरिंग की वजह से। तो हमने अपना शटरिंग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसकी शटरिंग लगाई हुई है, और आप देख सकते हैं ऑयलिंग हो गई है इसकी प्रॉपर। ऑयलिंग का बेनिफिट यही है, जब भी शटरिंग छुटाते हैं तो इजीली छुट जाती है और अच्छे से जो है शटरिंग भी सेफ रहती है और जो लेंटर का पोजीशन है वो भी सेफली इजीली छुट जाती है। आइए अब आपको दिखाते हैं नीचे से शटरिंग के बारे में और जानते हैं शटरिंग के बारे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए नीचे की साइड से। जी कमलू जी बताइए। जी बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको
कि नीचे ध्यान रखना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है बेस, कि बेस हमारी जो बल्ली है या आयरन के प्रॉप्स जैक जो होते हैं वो है, वो डायरेक्ट मिट्टी पे ना हो। कारण ये है कि जब छत चलेगी, छत की कास्टिंग होगी, तो वो आधा इंच से एक इंच तक नीचे दब सकता है, यानी हमारी स्लैब बेंड हो सकती है, झुक सकती है, टेढ़ी हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेस सही हो, बेस मिट्टी पे ना हो के किसी ऐसी चीज पे हो जैसे ईंट पे या कुछ चीज पे। हाँ। और इसमें हम बल्लियों का भी ध्यान रखते हैं कि जो ऊपर जो लगे हुए आप देख पा रहे हैं वो बैटन है, 3x4 का बैटन होता है, और इसको 2 फुट के दूरी पे लगाई जाती है, और एक बल्ली से दूसरे बल्ली की दूरी भी मैक्सिमम 2 फुट या 500 तक रखी जाती है, उतनी रखनी चाहिए क्योंकि ये उतना लोड ले सकता है, उससे ज्यादा दूर नहीं रखना चाहिए टेक्निकली भी। आपका जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एरिया बीम का है, इधर से साइड लगी हुई है, इधर से साइड लगी हुई है, इसको प्रॉपर कनेक्ट किया जाता है सिकंजे के जरिए, सिकंजे आते हैं और इसको इंटरलॉक कर दिया जाता है कि जिससे अपना बीम फैले नहीं। वो अभी कारपेंटर पीछे से लगाते हुए आ रहे हैं और वो भी हम आपको दिखाएंगे जब वो लग जाएगा। और इस चीज का और ध्यान रखिए, कोई भी जो ये पिलर, जो ये लकड़ी की सपोर्ट है, बल्ली जो खड़ी हुई है, ये हिले ना। आप चेक कर सकते हैं कि आप हल्का हल्का हिलाकर देखें, ये हिले ना। नॉर्मली आयरन की भी होती है, लेकिन आयरन की अगर बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग बनती है उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं आयरन की बल्लियाँ, इसलिए नॉर्मली जो घर बनाए जाते हैं उसमें लकड़ी की ही शटरिंग प्रॉपर यूज़ होती है। फ्रेंड्स, आपने देखा, साइट विजिट आपको कराई, कमरुल जी ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाया, आपको बताया। तो मैं कुछ चीज़ें और एड ऑन करना चाहूँगा कि जो शटरिंग की जाती है वो नॉर्मली 3 जगह की जाती है, एक कॉलम की शटरिंग होती है, एक बीम की शटरिंग होती है, और एक स्लैब जो ऊपर डलती है उसकी शटरिंग होती है। तो नॉर्मली इन तीनों की ही शटरिंग होती है, और 3 तरह की शटरिंग आप कह सकते हैं इन्हें। और शटरिंग मटेरियल जो है नॉर्मली आयरन का या वुड का होता है जो लगाए जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें। अब क्या क्या चीज़ हमें चेक करनी चाहिए शटरिंग होने के बाद, शटरिंग कराते समय? तो सबसे पहले हमें शटरिंग मटेरियल चूज करना चाहिए कि शटरिंग मटेरियल कैसा है, किस क्वालिटी का है, वो चेक करना चाहिए। आयरन की है तो आयरन की किस तरह की शटरिंग है, और अगर वुड की है तो वो प्रॉपर साफ हो, क्लीन हो, ऑयल हो रखा हो, टूटी फूटी ना हो, पीस बड़े बड़े हो और आराम से वो ज्वाइंट हो जाए, इस तरह की हो, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। शटरिंग मटेरियल पुराना है कि नया है, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी चीज हमें चेक करनी चाहिए ऑयलिंग, जब भी शटरिंग हो गई हो तो प्रॉपर उस पर ऑयलिंग हो रखा हो, शटरिंग ऑयल लगाओ। तो शटरिंग ऑयल लगे होने का बेनिफिट यही है, जब भी शटरिंग छुटाते हैं, जब भी शटरिंग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो इजीली हट जाती है और जो सरफेस है वो भी स्मूथ निकलता है नीचे से। तो ये शटरिंग ऑयल का ध्यान रखना चाहिए। और चेक द डिजाइन और स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में आर्किटेक्ट ने डिजाइन और स्ट्रक्चर दिया है उसी डिजाइन और स्ट्रक्चर में प्रॉपर शटरिंग हुई है कि नहीं हुई है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जो है लेवलिंग और अलाइनमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर एक लेवल में है, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर है, जो भी बीम डली है या बनी है, बीम के लिए शटरिंग हुई है, वो प्रॉपर कॉलम से प्रॉपर अटैच है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जो है उसके बाद सपोर्ट, जो भी नीचे शटरिंग में सपोर्ट दी गई है उसको देखना होगा कि प्रॉपर अच्छे से सपोर्ट मिली हुई है, कहीं से बेंड तो नहीं हो रही है, कहीं से मुड़ तो नहीं रही है, उस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना होगा शटरिंग का, वो एक चीज को जरूर ध्यान रखना होगा। और जैसे कमरुल जी ने बताया कि सेंटर से हल्की सी शटरिंग उठा दी जाती है, जहां भी अगर चौकोर बीम आया और सेंटर से हल्का सा उठा दिया जाता है, जिससे जब लोड डलता है, जब उसकी कास्टिंग होती है, तो वो आराम से अपनी जगह से पूरा सपाट और सीधी हो जाए। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी शटरिंग काफी अच्छे से हो जाएगी। और आप होल वगैरह का ध्यान रखें कि शटरिंग जब भी हो उसमें किसी तरह का होल ना हो, होल होगा तो उसमें कोई भी स्लरी और पानी निकल सकता है नीचे, जो भी मसाला भर के ऊपर डाला जाएगा लेंटर पे कास्टिंग के टाइम पे, तो उसमें से पानी वगैरह निकल के वो नीचे बह जाएगा, तो वो उससे थोड़ा स्ट्रांगनेस कम आती है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम जो है काफी अच्छे से अपने घर को बना पाएंगे, लेंटर काफी अच्छे से मजबूती से डलेगा। पर्पस यही है कि हमारा लेंटर काफी अच्छे से डले, जो लेंटर के ऊपर लोड आए वो इजीली
बीम में होता हुआ कॉलम के थ्रू नीम में पहुंच जाए। अगर वो इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में अच्छे से डलेगा तो अच्छे से लोड जो है नीचे ट्रांसफर हो पाएगा और हमारी बिल्डिंग ज्यादा मजबूत बन पाएगी। उसके बाद जब ये शटरिंग हो जाए प्रॉपर चेकआउट कर ले, नेक्स्ट जो काम होता है वो इसका होता है स्टील रोड बांधने का प्रॉपर। जो भी शटरिंग में जो बीम डली है, बीम के लिए जो शटरिंग हुई है उसमें प्रॉपर आयरन रॉड प्रॉपर कॉलम टू कॉलम अटैच करके अच्छे से डाली जाए। उसके बाद जाल बंधेगा प्रॉपर ऊपर, जो ये स्लैब है स्लैब के ऊपर प्रॉपर अच्छे से जाल बंधेगा, तो उस जाल को ध्यान रखेगा अच्छे से जाल की बॉन्डिंग हो। और लास्ट में जब लेंटर डलेगा उससे पहले आप सैनिटरी वाले को और इलेक्ट्रीशियन को भी बुला के जो भी फैन के पॉइंट्स हैं, जो भी नीचे पाइपलाइन जाएगा सैनिटरी का, बाथरूम में पाइपलाइन जाएगा, उसके लिए प्रॉपर होल करवा लें और उसके लिए पाइप छुड़वा दें, उस चीज का ध्यान रखें। और जो भी इलेक्ट्रीशियन जहां जहां फैन आएंगे उसके लिए फैन बॉक्स वहां पे लगा दें और वायरिंग का प्रॉपर सिस्टम पाइप वगैरह डाल के छोड़ दें उस टाइम पे जिस टाइम ये स्टील रोड बांधी जा रही है। बांधने के बाद ये काम करें और उसके बाद मैं आगे वीडियो लाऊंगा लेंटर डलते हुए की भी कि किस तरह से लेंटर डाला जाता है और लेंटर डलते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह सिविल वर्क से रिलेटेड, घर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और होम इंटीरियर रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो लाता रहता हूं। आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं कमरुल जी, मैं उनका भी नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे परफेक्ट फ्लोर चैनल पे, देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।